रात को एक बुकिंग किया था जो आज सुबह पिकअप था, पिकअप नहीं सुबह बस था, तो वो बस तो कर गए मिस। तो एक अच्छा है, हर कुछ सीढ़ी के बाद आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा रेस्ट करने के लिए। व्हाट इज योर नेम? हेलो बाय बाय। चलो बाय बाय। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि आप लोगों में से जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 20% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब्ड है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आपको मैं विनती करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरे लिए आपका जो प्यार है मेरे कंटेंट के प्रति वो दिखाता है, जो कि मुझे ऐसे और अच्छे कंटेंट बनाने में और प्रेरित करते हैं। तो चलिए अभी वीडियो पे लॉन्च चलते हैं। मॉर्निंग दोस्तों, तो कल रात को एक बुकिंग किया था जो आज सुबह पिकअप था, पिकअप नहीं सुबह बस था, तो वो बस तो कर गए मिस क्योंकि बहुत ही लेट तक सोए। तो अभी टाइम है 10:30, तो अभी जाके बस वो तो बस स्टेशन में ही देखते हैं क्योंकि बहुत सारे बस जाते हैं, तो उधर अगर बस मिल जाए तो निकलते हैं बुंगताओं के लिए। चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो यही अपडेट है, यही बताना था आप लोगों को कि बस हो गया मिस मेरा क्योंकि कल रात को बहुत ही लेट आया, अराउंड 3:00 को आया। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा पार्टी कर रहे थे। 10:46 टाइम हो चुका है, अभी जस्ट निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ से बस मिलेगा घूमताओं का, मिल जाए तो अच्छा है। और अभी जा रहा हूँ नीचे की तरफ। ये क्या सीढ़ी अजीब है भाई, एक स्पाइरल टाइप का, पुराने दिनों का अजीब टाइप का सीढ़ी है। दारू वारू पी के आए तो बस उनका नहीं होगा उनसे। तो चलते हैं अभी, जो प्लान था वो तो नहीं हुआ, ये देख रहे होगा कि नहीं। तो बस तो मिल गया, अभी पेमेंट का तो कुछ नहीं पूछा, तो देखते हैं पैसा देना कि नहीं देना। और बोल रहे कि एक दिन चाहिए पूरा उंगताओं घूमने के लिए, तो एक दिन तो है नहीं अपने पास, रहना दिक्कत है, तो जो जो होगा वही देख के फिर रिटर्न आ जाएंगे। फिलहाल यही प्लान है, बाकी देखते हैं कुछ चेंजेस हुआ तो बताते हैं आप लोग। तो ये टिकट उंगताओं का बस टिकट हम लोगों को अराउंड 650-700 पड़ा सिर्फ वन मतलब जाने का, और उधर जाके देखते हैं अगर स्कूटी मिल जाए तो स्कूटी ले लेंगे, लेकिन पासपोर्ट तो नहीं कैरी कर रहे, मोस्टली पासपोर्ट चाहिए स्कूटी के लिए क्योंकि होटल बुकिंग तो घूमताओं में है नहीं अपने पास। मिस्टेक्स मैंने कुछ नहीं किया, मिस्टेक मैं तो टाइम पे उठ गया था, लेकिन जिसको उठाना मतलब जिसको उठना था, जो होल नाइट सोई वो उठ नहीं पाई, क्योंकि मैं तो पार्टी वार्टी करके 3 बजे लौटा अपने रूम में जाके सो गया। मैंने फिर भी सुबह 9:30 बजे मैंने जाके उठाया, तो अभी मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। आई रेस्ट माई केस देयर, माइक ड्रॉप। तो अभी उधर का टाइम है अराउंड 12:10, तो एक बीच में रुके हैं वॉशरूम स्टॉप के लिए, तो और शायद 1 घंटा होगा इधर से घूमता हूँ, 1 बजे तक पहुँच जाना चाहिए, देखते हैं इतना टाइम लगता है। फिलहाल होपफुली 1 तक तो पहुँच ही जाना चाहिए, फिर उधर जाके अगर बारिश ना हो तो अच्छा है। और जीसस के स्टैचू के लिए 1000 स्टेप है, वो तो बहुत ही ज़्यादा है, देखते हैं चल पाएंगे कि नहीं। आगे अपने पहले डेस्टिनेशन में, जो कि जीसस क्राइस्ट स्टैचू बहुत ही ऊपर है, 6000 स्टेप है, तो देखते हैं अभी जाएंगे या थोड़े देर बाद, थोड़ा गर्मी कमने के बाद, क्योंकि गर्मी तो बहुत है। तो वही बात वही है, वो पीछे जो है
वो है बैक बीच, ये भी बहुत फेमस है इधर का। तो सोच रहा हूँ कि पहले बैक बीच चले जाओ, स्कूटी भी लेना है। तो यही है फिलहाल, तो चलिए चलते हैं। मैं अपना फिटनेस टेस्ट करने जा रहा हूँ। अभी 1000 स्टेप है तो सही में फिटनेस टेस्ट हो जाएगा। मैं तो कर लूँगी क्योंकि मैं महाराष्ट्र मेघालय में 1000 स्टेप करने गया, बट वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा था और गर्मी बहुत सारा है, यही दिक्कत है। बाकी 1000 स्टेप तो ठीक है। तो ऐसा सीन है, इधर दिखाता हूँ आपको। तो बोलना भूल गया, स्वागत है आप लोगों का भुंगताओ में। ये देखते हैं कहाँ जाना है, कैसे जाना है। सीढ़ी से गर्मी तो है भाई बहुत। व्यू एंजॉय कीजिए भाई लोग। बैग, एक गलती कर दिया कि बैग भारी ला लिया। रख लेना, इससे पूछना, ये रखेगा। यही दिक्कत है, इससे पूछना, इधर पूछता हूँ अगर बैग रख दे तो अच्छा होगा, आराम से चल पाऊंगा। This is the only mistake I made till now today. बाकी it was all good. तो एक भले आदमी के इधर बैग रख दिया मैंने। तो अभी पानी है ना तेरे पास, और एक है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट 811 स्टेप्स है इधर, तो 189 स्टेप्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। That is a good thing. How do you know 189? You counted? Counting 1000 steps total. Ha to 189, how do you know? This is 811. Now do the maths. Thank you, I know I'm intelligent. To ek acha hai, har kuch siri ke baad aapko ek platform mil jayega rest karne ke liye. थोड़ा रेस्ट कर लेना गर्मी लगे तो। अभी भी बहुत दूर है वो देखिए, अभी तो दिल्ली दूर है, लेकिन वर्थ द व्यू होना चाहिए। इधर मोस्टली जो बीच एक्टिविटीज होते हैं वो भी कर सकते हैं, स्पीड बोट वीड बोट लग तो रहा है, लोग चला रहे हैं, लेकिन थोड़ा खाली दिख रहा, ज़्यादा लोग तो नहीं दिख रहे, ज़्यादा बोट वोट भी नहीं दिख रहा, मतलब बीच के आसपास। मालूम नहीं कितने लोग आते घूमता हो, आते भी है कि नहीं। अभी 250 स्टेप्स हुए लग रहा है। और व्यू मस्त है भाई, बस इसी के लिए चल रहा हूँ, वरना इम्पॉसिबल। और अभी 300 होने चले, नीचे लिखा है 300, और भी 700 बाकी है अभी। ओह माय गॉड, तो अभी नेक्स्ट 100 स्टेप के जा रहे हैं। फिर से एक प्लेटफॉर्म है, उधर जाके थोड़ा बैठेंगे। शर्ट निकाल दिया, गर्मी लग रही थी, अभी इतना आया देखा नहीं, नीचे तो था मेरा। हेलो, क्या हुआ? तो बहुत सारा कोशिश,
बहुत देर रुक के बहुत नौटंकी करके 550 तक पहुँचे। हेलो 550 तक पहुँचे। योर नेम व्हाट इज योर नेम? यू फॉरगॉट योर नेम? यू फॉरगॉट व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज हे। हेलो बाय बाय। सेलिब्रिटी लग रहा है मुझे इधर, सब हेलो हाई कर रहे हैं, इट्स गुड थिंग। और अभी 600 कंप्लीट हो गया, रुक रुक के चल रहे, टाइम का तो कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि ट्रिप से तो नहीं आए, खुद से आए। और आज गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी भी है, तो एक ग्रीन टी लिया, लेमन ग्रीन टी, लेमन आइस टी, ऐसा कुछ कुछ तो लिया, लेमन ग्रास टी, इट्स गुड, थोड़ा रिफ्रेशिंग तो है। और लोग हील पहन के भी चल रहे हैं, वो एक मज़ेदार लगा कि पहले 500 स्टेप हील पहन के चल लिए और लोगों को नॉर्मली चलने में दिक्कत हो रहा है। वाह वाह मोदी जी, वाह वाह वा। देख के बहुत खुशी हो गई भाई, मेहनत का फल लाया कुछ है, क्या बोलते हैं, मेहनत का फल मीठा है कुछ तो बोलते हैं। और ये पीछे है, फाइनली फाइनली द रॉक हैज कम बैक टू वुंगताओ। और ये सक्सेसफुली पहुंच रहे, और भी कुछ स्टेप बाकी है। Finally, after around 30 minutes, आ चुके हैं स्टैचू के सामने और खुशी तो बहुत हो रहा है कि पहुंच गए फाइनली। एक अंदर से एक गुड फीलिंग आ रहा है कि पहुंच गए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिख गया, इतना बड़ा कमान से क्या उड़ाते थे, शिप ही उड़ाते होंगे, मस्त दिख रहा है, यूं ऐसा मारेंगे पूरा समुंदर में उड़ा देंगे। जीसस का एक 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ आप लोग, 360 राउंड मारता हूँ, पूरा वुंगताओ का 360 दिख जाएगा। ये शायद टॉलेस्ट पोजीशन, टॉलेस्ट पॉइंट होगा वुंगताओ का, तो इससे अच्छा व्यू मिल रहा है। और ये देखिए ये वाला, ये क्या किसको उड़ाते थे मालूम नहीं। और ये है स्टैचू, साओ पाउलो जैसा है स्टैचू, ब्राजील का, उधर भी है एक, वो इससे भी बड़ा होगा शायद, लेकिन अच्छा है ये वाला भी। अभी ब्राजील जाने का तो प्लान है नहीं मेरा, तो यही सही। ऊपर थोड़ा पेड़ पौधे तो अच्छा लग रहा, उतना गर्मी तो नहीं लग रहा, नहीं तो गर्मी तो बहुत है इधर, मतलब बहुत ही गर्मी है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो स्वेट भी हो रहा, लेकिन वर्थ वर्थ द 1000 स्टेप्स ये बोल सकता हूँ मैं। और आपको ऊपर आके जो व्यू मिल जाएगा पूरा सिटी का घूमता हूँ, दैट इज़ टू गुड टू गुड। और इस तरफ भी एक कमान है, शायद बोटों को ही उड़ाते होंगे इधर से पहले, जब वॉर के टाइम होगा इधर से शायद बोट वोट को उड़ाते होंगे, बट उड़ा दिया। और ये पूरा ही समुंदर, समुंदर दूर दूर तक, जितना दूर देखो पूरा समुंदर, और मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। अभी तो तुम बोल के कोई है नहीं मेरे पास, तो कुछ मालूम नहीं कि तुम होती तो क्या होता, नहीं होता।
ये मालूम है बहुत ही बोर कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन क्या करूँ क्या करूँ ओ लेडीज, क्या करूँ ओ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर। एक अच्छा चीज़ है, बहुत ही शांत है ये जगह, आप कुछ ना भी करो बस आके बैठे रहो इधर तो भी आपको मज़ा आएगा। जैसे इधर आके देखिए लोग बैठे हैं, बस नेचर को एंजॉय कीजिए। बस बैठे रहो इधर, थोड़ा नेचर को एंजॉय करो, समुंदर की लहर का हल्का सा आवाज़ आ रहा है वो सुनो, मस्त लग रहा है, अच्छा मज़ा आ रहा है। तो अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर आइए घूमता, और ज़्यादा दूर भी नहीं है हो ची मिन्ह से, 2 घंटे का एक कैब बस कैब जो भी ले लो, एक शेयर्ड टैक्सी लोगे, शेयर्ड मतलब लिमोजिन जो 9 सीटर होता है, तो 650 रुपीज़ आएगा, अप डाउन अराउंड 1300। तो चलिए अभी डिसेंट शुरू करना है। तो एक अच्छा चीज़ है कि बैग दे दिया था, नहीं तो हालत बुरा हो जाता। अभी नीचे जाके बैग ले लेता हूँ, अगर भूल गया तो मेरा सारे गैजेट्स जाएंगे घूमता हूँ मैं, तो ले लेता हूँ बैग। अभी चलते हैं नीचे, अगर आप आओ इधर तो डेफिनेटली सनस्क्रीन पहला, और दूसरा है अम्ब्रेला, और तीसरा फेस बचाना है तो आओ ही मत, क्योंकि बहुत गर्मी होता है। और जगह है कहीं कहीं आप रेस्ट ले सकते हो, लेकिन सनस्क्रीन मतलब SPF 50 वैसा कुछ लेके आना, नहीं तो आपको फट जाएगा। मैं तो 2 दिन आया हूँ, वियतनाम हुआ, पूरा काला हो गया अभी ऑलरेडी, अभी भी और 6 दिन बाकी है मेरे वियतनाम में, तो मतलब अलग ही लेवल का काला होके जाऊंगा। और देखिए ये वाला व्यू, बस ये व्यू के लिए इधर आना है, मस्त व्यू है, टू गुड, और बहुत ही शांत है। अगर आप शांत जगह पसंद करते हो तो ज़रूर आओ घूमता हो। मैं तो लौट जाऊंगा आज दोपहर को ही, लेकिन अगर आपको रहना है तो रहे, घूमने का भी जगह है इधर बहुत सारा, तो वो भी घूम लेना, नहीं तो हो ची मिन्ह से डे ट्रिप भी होता है, वो भी कर सकते हो आप, वो अराउंड 3000 का आता है, 3000 का आता है, और वो आपका क्या बोल रहा हूँ, सुबह लेके जाएंगे 7:45 को, और शायद शाम को 5-6 बजे घर छोड़ेंगे, वो भी कर सकते हो। अभी शाम हो रहा है तो थोड़ा हवा आ रहा है, थोड़ा अभी उतरने में तो थोड़ा बेटर लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है अंदर से, बॉडी बोल रहा है कि वी कैन डू इट। तो फाइनली ऊपर से नीचे तक आ गए, टोटल अप डाउन में अराउंड हमको लगे पकड़ लो 1.5-2 घंटे, तो रुक रुक के चले टाइम ले लेके, तो वो एक अच्छा किया। इधर थोड़ा अभी रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं कुछ, इधर ही बैग रख के गया था मैं। ये जो जगह देख रहे हैं आप लोग, ये है मुई न्यांग पोंग, तो अगर आप ट्रिप में आते तो ये भी दिखाते। फिर बागदीन जो वाइट पैलेस है वो बहुत ही दूर है इधर से, अराउंड नहीं बहुत दूर नहीं, वो अराउंड 10 किलोमीटर्स है इधर से। और फिर है दिन तांग ताम, ये बहुत ही दूर है, मतलब और भी दूर है, तो ये सब और नहीं जाएंगे क्योंकि ये चढ़ के ही हालत हो गया बुरा। तो सोच रहे थोड़ा बीच या बैक बीच में जा सकते इधर बीच में, और नहीं तो अभी कैब लेके चले जाएंगे हो ची मिन्ह बैक टू डिस्ट्रिक्ट 1, फिर होटल में रेस्ट करके रात को निकलेंगे। तो ऐसा ऐसा प्लान तो चल रहा है, देख रहे हैं फाइनली क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा। तो अभी एक ये ले लिया, लीची
आइस टी या कुछ है। 45,000 डोंग, मतलब इधर का डोंग का जो स्ट्रेटजी है मैं समझ गया, अगर 45,000 बोले तो 45 पकड़ लेना, और मतलब 45 इंडियन करेंसी उसको 3 से 3 डिवाइड कर दो, विच इज़ अराउंड 150 रुपीज़। तो यही लॉजिक है। फाइनली थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम के बाद, बहुत बातचीत के बाद अपना कैब मिल चुका है, तो इसके बाद अभी लिमोजिन में पहुंचना है, उधर से निकल जाएंगे हो ची मिन्ह के लिए क्वन वान। तो यही बात है फिलहाल अपडेट, और मतलब एक अलग लेवल के घूमे आज, सिर्फ एक जीसस स्टैचू देखने के लिए 2 घंटे ट्रैवल करके आए, स्टैचू देखे, आधा स्टेप चढ़े, नीचे आए, हो गया ख़त्म, फिर कैलोरी बर्न किया और ज़्यादा कैलोरी पी लिया, क्योंकि आइस कुछ टी लिया था वो मीठा मीठा था, तो और कैलोरी गेन कर लिया, फिर आ गए, तो अभी जा रहे हैं मतलब होटल की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल ठीक ही था, मुझे मस्त लगा ये जगह घूमता हुआ, अच्छा जगह है, तो अगर आपको आना है तो एक फुल डे ट्रिप प्लान करना है आपको, वो अच्छा रहेगा, एक दिन रह जाओ, मैं तो नहीं रहा लेकिन आप एक दिन रह जाओ तो अच्छा रहेगा, आप आराम से घूम पाओगे। तो 1:35 को फ्लाइट है अपना दनांग के लिए, तो अभी निकलना है कुछ देर में। इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो एक दिक्कत है लग रहा है, बाकी अच्छा जगह अच्छा है। चीज़ है कि आज मंडे है फिर भी आपको इधर बहुत कम ट्रैफिक दिखेगा हो ची मिन्ह के कंपैरिजन में।